बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस घर के बारे में। ये जी फॉर सेल घर है, ये कैनाल गार्डन रहीम यार खान में है, 5 मरले का घर है। तो ये है जी रोड है यहाँ पे खुली, तकरीबन 40 फुट ये रोड है। ये देखें रोड इस साइड पे भी खुली है दोनों साइड पे। ये है जी टोटल घर का ये नक्शा है। ये 5 मरले पे है, ये डबल स्टोरी है। तो ये आपको हम अंदर से विज़िट करवाते हैं। ये इस तरह बाहर से ये इसकी लुक है। तो जब हम एंटर होते हैं तो ये है गैरेज, तकरीबन आराम से गाड़ी बड़ी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। ये स्टेयर्स हैं, ये घर की स्टेयर्स हैं। और ये है आपका जी मेन गेट एंट्रेंस घर की। ये आ जाता है ड्राइंग रूम। ये ऊपर सीलिंग का काम किया हुआ है। तो ये घर अभी कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं ये। ये है जी टोटल ड्राइंग रूम का सेटअप। उसके बाद ये है जी स्टेयर्स के नीचे एक वॉशरूम बना हुआ है। तो दोस्तों ये जब गैरेज से हम अंदर एंटर होते हैं तो ये स्टार्ट में आता है लिविंग रूम। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर सीलिंग की हुई है, ये लिविंग रूम है। और नीचे से ये है टाइल लगी हुई है। ये आ जाता है जी किचन, ओपन किचन है ये। ये किचन के ऊपर ये सीलिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली। ये इस तरह कैबिन वगैरह लगे हुए हैं इसके। ये है जिस नीचे वाला जो पोर्शन है उसका ये किचन है। उसके बाद ये आ जाता है दूसरा बेडरूम, ये ऊपर है इसकी सीलिंग है। और एक वॉशरूम ये है, ये वॉशरूम है इसका, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। और ये है जी दूसरा बेडरूम है, ये ऊपर इसकी सीलिंग है। ये विंडो है, ये दूसरी साइड पे इसका गैरेज है। तो मज़े की बात ये है कि इस घर के जो है दो रोड्स लगती हैं, दो रोड्स हैं, डबल रोड है यहाँ पे। ये दूसरी साइड पे गैरेज है, जो दूसरी साइड पे इसका गैरेज है। और ये स्टेयर साथ जाती हैं जो दूसरी साइड पे इसका गेट है। तो दोबारा से हम जो पहला गैरेज है उसकी तरफ जाते हैं। ये है इसका पहला गेट जो मेन मैंने आपको पहले दिखाया है, जो मैं आपको बता रहा था कि 40 फुट है कि रोड की जो विड्थ है टोटल। ये है इसका जो फर्स्ट गैरेज है आपको मैंने दिखाया है, ये स्टेयर्स है। तो दोनों साइडों पे जो है इसको गेट लगा हुआ है और डबल रोड है मकान की दोनों साइडों पे। एक साइड पे तकरीबन 40 फुट की है रोड की चौड़ाई और दूसरी जो है वो 30 फुट है। ये है जी ऊपर वाला पोर्शन, ये आता है आपका लिविंग रूम है, टीवी लाउंज कह लें इसको। और ये है जी ओपन किचन, ये ऊपर वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये है ओपन किचन है, ये आता है आपका टेरेस, ये बाहर से व्यू है। ये देखें आपके सामने, ये है जी इसका बाहर का व्यू। ये रोड जिसका मैं आपको बता रहा था तकरीबन 40 फुट है इसकी छुड़ाई। तो किचन हो गया, ये आपका था लिविंग रूम। ये है ऊपर
बेडरूम है एक, ठीक हो गया। और एक वॉशरूम ये है, एक ये वॉशरूम है इसका, एक ये बेडरूम है, ऊपर वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये आ जाता है आपका बाहर वाला सीन जितना भी है। एक ये रूम है ऊपर, और ये जो रोड है ये है जी दूसरी साइड पे, जिसकी चौड़ाई मैं आपको बता रहा था तकरीबन 30 फुट है, यानी कि एक साइड पे 40 फुट है और एक साइड पे इसकी जो है वो है जी 30 फुट है। तो लिविंग रूम के बाद जब हम ऊपर जाते हैं थर्ड पोर्शन में, तो ये इस तरह अंदर से स्टेयर्स जाती हैं ऊपर को, तो ये कुछ इस तरह का है ये जी। तो अभी इसका रिसेंटली जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो वाइंड अप हुआ है। ये है जो ऊपर इसकी छत का कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी। ये इस साइड पे है, ये है जी कैनाल गार्डन सिटी रहीम यार खान में, और ये इस साइड पे है। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एरिया है। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये थर्ड पोर्शन है, यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, अंडर प्रोसेस है, वैसे ही ओपन छोड़ा हुआ है इन्होंने। तो इसी तरह ये स्टेयर्स नीचे जाती हैं। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये है उसका कुछ इस तरह, आपको इसका व्यू नज़र आएगा, लिविंग रूम, और सामने ये ओपन आपका किचन है। ये इस तरह का है कुछ। और ये स्टेयर्स जहाँ से मैं आया था, अब इसकी जो दूसरी साइड पे स्टेयर्स है जो मैं आपको बता रहा था तकरीबन 30 फुट, यानी कि एक मैंने आपको बताई 40 फुट है, ये कुछ इस तरह का है। ये जो रोड है इस साइड पे दूसरे गैरेज के जो रोड लगती है वो है तकरीबन 30 फुट है। तो ये है आपका दूसरा गैरेज, ये इस तरह यहाँ से एंट्रेंस होती है, यहाँ पे मोटरें वगैरह लगी हुई हैं। ये है जिस गैरेज दूसरी साइड पे। अच्छा, लाइट दोनों तरफ से है। अच्छा, ठीक हो गया। तो दोस्तों जैसा पहले मैं आपको बता रहा था, वो दूसरी साइड पे था तकरीबन 40 फुट की वहाँ पे रोड थी, और ये जो 30 फुट वाली साइड पे, ये इसका बाहर से कुछ व्यू इस तरह का है, ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ये जो रोड है ये दूसरी साइड पे है, इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 30 फुट है, और यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट लगी हुई है। इस तरह इसकी एंट्रेंस होती है। ये है कुछ इस तरह का, और पानी यहाँ पे जो है वो मीठा पानी है। लाइटिंग भी दोनों तरफ से है, स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। ये हम दोबारा नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं किचन में, और ये आ जाता है आपका लिविंग रूम, टीवी लाउंज, और इस तरह ये है आपका दूसरी साइड का। ये है मेन, जो मेन गैरेज है वो ये है, ये ड्राइंग रूम है। तो इस तरह ये है टोटल ओवरऑल ये गैरेज की जो है वो छत आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस पे भी सीलिंग की हुई है। तो दोस्तों ये है दूसरी साइड पे जो गेट है, जो मैं आपको बता रहा था तकरीबन
तकरीबन 30 फुट की चौड़ाई की रोड है। ये है इसका बाहर से कुछ व्यू इस तरह का नज़र आ रहा है। ये इस तरह का ग्रीन बेल्ट है बाहर, और ये है जिसका ओवरऑल व्यू बैक साइड पे। तो जो फ्रंट का व्यू मैंने वो आपको पहले दिखा दिया वीडियो में, ये है इसमें टोटल। दोस्तों ये जो मेन मैं आपको पहले दिखा रहा था, मेन जो है इसका मेन गेट है जो 40 फुट की रोड पे, ये यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट लगी हुई है। तो ये मेन जो है टोटल घर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये है जी कुछ इस तरह का, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये है जी टोटल इसका मेन व्यू। तो इस घर की जो डिमांड है वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में डाल दूंगा, जो घर के ऑनर है उनका नंबर भी। तो जो दोस्तों को अच्छा लगे, जो रابطہ करना चाहे तो वो भाई से कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।